अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं आज आप लोगों को क्वेटा और ज़ियारत की सैर करवाने लगा हूं, तो चलते हैं क्वेटा। सबसे पहले हम पहुंचे बस टर्मिनल और वहां से हमने बुक किए दो टिकट्स और चढ़ गए बस में और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रास्ते को सही तरीके से हमने किया इंजॉय। थोड़ा सा आप भी कर लो। देखो, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, कभी भी बस से ट्रैवल मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाए। तो 10 से 12 घंटे ट्रैवल करने के बाद हमने लैंड किया क्वेटा सिटी में। तो क्वेटा में लैंड करते ही हमें लगा एक झटका, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम मैनेज कर लेंगे। वहाँ पहुँच के अपने कज़न्स वगैरह से मिलने के बाद खाना वगैरह खा के फ्रेश हो के हम चले गए सोने और फिर हमारी सुबह हुई विथ ब्यूटीफुल सनसेट। तो सुबह उठ के हमने क्वेटा होटल से किया नाश्ता। और नाश्ता वगैरह करके हम निकल गए अपने अगले मिशन के लिए, जिसका नाम था ज़ियारत। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बस में और ड्राइवर आपका हो पठान और ये गाना लग जाए, फिर अल्लाह मालिक है, फिर अल्लाह मालिक है। लेकिन कोई नहीं, हमारे खान भाई ने हमें खैर खैरियत से ज़ियारत पहुंचाया और फिर वहां पे हमें एक बंदा जिसका नाम गुलबदीन ख़ान था, वो हमें पिक करने आए और हमें ले गए हमारे गेस्ट हाउस तक। उन्होंने अपनी वीडियो बनाने के लिए मना किया है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद अपना रूम वगैरह सेट करके हम चले गए मार्केट कुछ सौदा लेने। और फौरन निकले अपने गेस्ट हाउस, क्योंकि भूख का लेवल हर मिनट में इंक्रीज़ हो रहा था। देखो, खाने को तो आप होटल से भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं घूमने आए हो और एक चीज़ आपको आती है तो मैं तो कहूँगा ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। ट्राई करने में कौन सा पैसे जा रहे हैं यार। हाँ, तो हम आज आपको बनाना सिखाएंगे बलूची कढ़ाई। हाँ तो भाई, कढ़ाई खाने की कोई फुटेज नहीं है, क्योंकि लिटरली कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त बनी थी और भूख भी ऐसी शो लग रही थी, तो हमारा सारा फोकस जो था वो खाने पे था, ना कि वीडियो बनाने पे। तो खाना वगैरह खाने के बाद हमने बनाया कुछ माहौल, क्योंकि माहौल बनाना भी ज़रूरी है ना, क्या करें यार, चलता नहीं है ना। और सर्दी
इस तरह की हो रही थी कि हर बंदा हैंग होके सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पे बैठा हुआ था और आग के मज़े ले रहा था। हाँ तो भाई, अपना एक दिन ज़ाया करने के बाद हमने प्लान किया कि अब हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा ज़ियारत। तो द रियल स्टोरी ऑफ ज़ियारत अब शुरू होती है, और कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। और सुबह उठने के बाद सीन्स कुछ इस तरह के थे। हाँ तो भाइयों और बहनों, यहाँ ज़ियारत में सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये पानी कुएं में ये जम गया है पानी, और यहाँ पे बला की सर्दी। देखो भाई की इंग्लिश को फुल इग्नोर करना और सिर्फ व्यू पे फोकस रखना। अस्सलामु अलैकुम, यो ब्रदर, दिस इज द ज़ियारत एंड दिस इज द वेदर ऑफ ज़ियारत, यू शुड विजिट नाउ बिकॉज द वेदर इन ज़ियारत इज सो गुड। वेरी कूल बट गुड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम गए कायदे आज़म रेजिडेंसी, वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। देन हम निकल गए ज़ियारत ज़ीरो पॉइंट के लिए, जहाँ पे सीन्स कुछ इस तरह के थे। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि आज का दिन हमारा इतना खूबसूरत होगा। हमारा प्लान तो असल में ज़ीरो पॉइंट से वापस जाने का था, लेकिन एक भाई ने उधर हमें बताया कि डुमेरा नाम से भी एक जगह है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। एक दिन जो हम लोग ऐसे ही फारिग बैठे थे और एक दूसरे को ये कह रहे थे कि यार अब क्या करना है, मेरे ख़्याल में ये उसका सिला था जो हमें डुमेरा की सूरत में मिला था। एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसी फील आई कि शायद मैं कश्मीर वगैरह की साइड में आ गया हूँ, लेकिन नहीं, ये मरी नहीं, ये बलूचिस्तान ही है। इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारा ज़ियारत जाने का मकसद तो स्नोफॉल देखना था, लेकिन अगर स्नोफॉल हो रही होती तो शायद हम इस जगह में आ ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर हम दिल पे पत्थर रख के वापसी के लिए निकल गए। क्या करें, घर भी तो जाना है। तो भाइयों और बहनों, ये था अपना छोटा सा कराची टू क्वेटा और क्वेटा टू ज़ियारत का सफ़र। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, लेकिन अपनी तो बैंड बज गई।